के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज सरकार का बजट पेश किया। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का है, जबकि राजकोषीय घाटा 55,111 करोड़ रुपए का। सरकार ने इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। बजट में इस बार महिला, किसान, बेरोजगार और बच्चों पर खास ध्यान दिया गया है। तो वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चाइल्ड बजट अलग से पेश किया, जिसमें मनरेगा के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की शुरुआत होगी। तो वहीं उद्योगों को रियायती दरों पर जमीन दी जाएगी। एक नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के भी इसमें कई जगह पर बता दें आपको बजट में प्रावधान है। साथ ही दुग्ध उत्पादन योजना शुरू करने का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया। 4,000 किलोमीटर सड़क बनाने का भी शिवराज सरकार ने लक्ष्य रखा है। आखिर बजट सत्र होता बजट के लिए, जनता बजट सुनना चाहती थी, अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, गरीब, हर एक की रुचि रहती है कि बजट में क्या आ रहा है वो सुने, देखे। कांग्रेस ने उसी में व्यवधान पैदा किया। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी यह नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष जो केंद्र सरकार में और यहां भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, वो इस तरह की असंसदीय परंपराएं डाल रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, सदन के कई वर्षों से सदस्य होने के नाते भी मुझे तकलीफ हुई। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है और ये देश के सभी राज्यों से बड़ी बढ़त है। ये बड़ी विकास दर है ये हमारी। विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में ये विकास दर हासिल करना अपने आप में एक उपलब्धि है। ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बजट है। जनता के सुझाव को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट है। ये प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की पूर्ति का बजट है। ये सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बजट है। पहली बार चाइल्ड बजटिंग, उसमें बच्चों के कल्याण की योजनाओं को विभिन्न विभागों के एक जगह लाया गया है और बच्चों के पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए सीएम राइज जैसे स्कूल खोलने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।